वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बम्होत्रा ब्लॉग्स में। आज दोस्तों हम निकल रहे हैं एलिफेंटा केव्स। दोस्तों एलिफेंटा केव जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया से सीधा ही फेरी मिलती है, जो कि एक चीप ऑप्शन है। 150 रुपये लेती है दोस्तों दोनों साइड का। जो एलिफेंटा केव नियर अबाउट 6.2 माइल्स दूर है, मगर किलोमीटर्स में बोला जाए तो 10 किलोमीटर दूर है। तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया, दिन बहुत अच्छा था, मज़ा मिला हमें जाते समय बहुत ज़्यादा। आपको पिक्चर्स के रूप में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, और बाकी चार्जर हमारा घर पर रह गया था तो पावर बैंक भी कैरी नहीं था। तो ये शॉट्स हैं जो हमारे केव के, केव दोस्तों एक हिंदू गॉड शिवा के ऊपर बनी है और बुद्धिस्ट लोगों के लिए मानने वाली जगह है। तो जितनी भी ये आप देख रहे हो ना फोटोस, ये सारी रॉक से बना हुआ है। ये दरवाज़ा वगैरह जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जितने भी हमारे पास है ये सारा हैंडमेड है। तो ये पुराने ज़माने में ये हैंडमेड बनाया है। तो ये जो साइट आती है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है एलिफेंटा केव। इसमें कलेक्शन ऑफ केव्स टेम्पल्स है जो डेडिकेटेड है हिंदू गॉड्स को, और इसको एक और बोला जाता है गारीपुरा। तो दोस्तों हाई टाइड्स में अंदर जाने नहीं देते हैं, बट मज़ा आया। इसके बाद हमने मरीन ड्राइव की ली, आपने देख रहे हुई अभी हाजी अली की फ़ोटोज़ हैं दोस्तों। हाजी अली में भी वही कैमरा की प्रॉब्लम थी, जितना हम बचा सकते थे अपना, जितनी वो करते थे। रात को लेट पहुँचे तो बिल्कुल हमारा कोई 1-2% बैटरी भी चल रहा था हाजी अली की। बहुत प्यारी जगह है दोस्तों, मुंबई घुमा, ये हमारा आ गया हमारा गेटवे ऑफ इंडिया सामने दिख रहा है। तो ये मुत्तू भैया के साथ हमने सीलिंग से हम अपनी जर्नी स्टार्ट की हुई थी, तो बहुत ही अच्छी रही जर्नी। तो यार कब आओ मुंबई में, हमारे पास सारा टाइम नहीं था, सिर्फ 2 ही दिन थे मुंबई में, क्योंकि मेरी फ़्लाइट टिकट हमारी हो चुकी थी मुंबई से जम्मू की। अगर कैंसिल करवाते तो कुछ रिफंड आ ही नहीं रहा था कुछ ज़्यादा। तो फिर हम वही 2 दिन, 1 दिन एसल वर्ल्ड में रुके, और जो 1 दिन बचा हुआ था वो अभी एलिफेंटा केव और बाकी जगह आगे पीछे, जैसे मन्नत वगैरह देखने गए आगे ये एलिफेंटा केव। दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरी हैंडमेड बनी हुई है, चट्टान काट काट के बिल्कुल बारीकी से बनाया हुआ है। और ये देखो शिव का पुराना टेंपल, बिल्कुल पुराना टेंपल है, सदियों पुराना टेंपल है दोस्तों। तो ये अबाउट 550 साल पुरानी है, नहीं 550 साल पुरानी बोल रहा हूँ ये दोस्तों, लगभग बहुत कोई 2nd century BC की है। तो बहुत अच्छी है, थोड़ा पीस मिलता है यहाँ पे जाके। सबसे ज़्यादा मज़ा हमें आया जाने में और आने में, सफारी में, वहाँ पे भी था एक्चुअली, फेरी में, सफारी बोल रहा हूँ दोस्तों, फेरी में। हम इस सफारी के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखोगे, ये दुबई सीरीज आएगी थोड़ी देर के बाद, तो दुबई भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो ये भी बताएंगे। जैसे थोड़ा सा कोरोना का माहौल थोड़ा शांत होता तो हम आगे दुबई का प्लान कर रहे हैं, या स्पीति वैली वगैरह का, बताएंगे आपको जल्दी। तो ये देखो कितना अच्छा है आर्किटेक्ट, उस समय भी जो आर्किटेक्ट था आई के आर्किटेक्ट से 100 गुना ज़्यादा अच्छा था दोस्तों। बड़ी सारी लोग आए हुए थे अलग अलग जगह से, और दोस्तों वहाँ जैसे हम उतरते हैं ना वहाँ से हमें एक, जहाँ आप पैदल करके आ सकते हो 1-1.5 किलोमीटर, नहीं तो आप वहाँ पे 10 रुपये किराया है गाड़ी का, ट्रेन है, टॉय ट्रेन की तरह, और बड़ी प्यारी है दोस्तों। ये भी पिक्चर्स मैंने शेयर की हुई है, ये मरीन ड्राइव है, मरीन ड्राइव है जहाँ पर बड़े सारे कपल्स आके अपनी नोक डोक कर रहे हैं अपने प्यार वाली, और कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है किसी का, ठीक है। अच्छा देखो इंजॉय करो दोस्तों आप ये शॉर्ट्स हमारे। दोस्तों ओबराय होटल है, जो मगर जो ताज है, ताज है ओबराय, ओबराय है बट जो ताज है कोई बहुत अपना ही अलग मजा था। कभी भी आओ सेट हो रहा है, इतना प्यारा लग रहा है।
बाहों में बाहें डाल के इतना कतराते हुए खड़ों से वापस में लगे हुए हैं, अलग ही नज़ारा चल रहा है, हम अपना लुत्फ ले रहे हैं। दोस्तों ये शॉर्ट्स देखो हम कैसा लग रहा है, हमने उसके बाद मेन्यू ये ताज होटल में थोड़ा सा खाया पिया, अपने लिए मैंने बियर और एक पिज्जा, और अच्छा था, मज़ा आ गया। फोटो शेयर कर रहा हूँ कुछ, बढ़िया रहा दिन। वापस आएंगे मुंबई दोबारा घूमने, खाली मुंबई जहाँ पे हम 4-5 दिन स्पेंड करेंगे, आगे लोकल घूमेंगे, महाबलेश्वर जाएंगे, आगे पीछे फिर ही मज़ा है। दोस्तों 3-4 दिन लेके आओ मुंबई से, हमें गोवा से इधर आना पड़ा, इधर से हम फिर पुणे चले गए शिरडी की तरफ, शिरडी के दर्शन करके फिर मुंबई से और हमारा तो देखना पीछे तेज़ हवा चल रही है ना दोस्तों, और हमें ये सारी ये फ्रेंड को हाथ से ही खाना छीन के चले जाते हैं, बड़े शरारती हैं, इनका भी हमने बड़ा मतलब लिया, बड़ा इंटरटेनमेंट किया इन्होंने, ये हमारे जहाँ जहाँ हमारी शायरी जा रही थी ये हमारे साथ साथ ही उड़ रहे थे, खाली हम भी साथ ही, हम हमारे साथ और भी लोग थे, अपने हाथों से इनको पूछ रहे थी खाया थे सब दोस्तों। दोस्तों यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये शिप दिख रही है दोस्तों, ये जो है कि एक पैरिस की तरफ जा रही थी ये शिप इस समय, और स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और ये दोस्तों हमारे कुछ स्वीट मोमेंट्स और आनंद लेते हुए हम भी कोशिश कर रहे थे कि हमें भी कोई नोक जोक करें हम। और यहाँ पे हमने फालूदा खाया था और ये काला खट्टा जूहू बीच में, तो दोस्त मज़ा आया दोस्तों। तो यार आओ घूमो, इंजॉय करो और टाइम लेके आना दोस्तों। तो ये हमारी आ गई हाजी अली की दरबार दरगाह, तो ये आ गया हमारा ताज का इंटीरियर, ये एंट्रेंस है, यहीं पे रिसेप्शन दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।